हेलो एवरीवन, आज की हमारी डिश है हनी चिली पटेटो, जो कि एक इंडो चाइनीज डिश है। सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू को हमें पील करके लंबी वेजेस में काट लेना है। फिर इन आलुओं को हमें गर्म पानी में बॉईल करना है। लगभग 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। धीरे धीरे आलू बॉईल होते रहेंगे, जिससे कि सारा स्टार्च जो होगा इसका वो ऊपर आ जाएगा। इसे हमें लगभग 5 मिनट के लिए बॉईल वाटर में रखना है। बॉईल वाटर से निकालेंगे। फिर हम लेते हैं लगभग 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच काली मिर्च। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लगभग 1 टीस्पून, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने पहले एक इनिशियल कोटिंग कर ली है, अब हम सेकंड कोटिंग करेंगे उस पर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें एक पानी का घोल बना लेंगे। एक थिक घोल बनाना है हमें, थोड़ा सा गाढ़ा, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। जो पहले कोट किए हुए आलू थे उसको दोबारा इस मिक्सचर में डालेंगे, जिससे कि इनके ऊपर एक डबल लेयरिंग हो जाएगी। अब हम आलूओं को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। से निकाल लेते हैं। अब हम तेल को बॉईल होने देंगे, और जब वो पूरा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम दोबारा से जो फ्राई किए हुए आलू हैं उनको एक दोबारा से फ्राई करेंगे, ताकि वो कलर दे दें और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। बेसिकली डबल फ्राई से जो आलू होते हैं वो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, और सेकेंड टाइम वो ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अब हमारे आलू रेडी हैं, अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 बड़ा चम्मच लिया है लहसुन, और 1 बड़ा चम्मच हम ले लेते हैं स्प्रिंग अनियन का। स्टर करते हैं हम इसको, फ्राई करेंगे इसको, हल्का सा फ्राई होने देंगे। शिमला मिर्च लगभग आधा कप, प्याज आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और इसको मिला लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें करी बनानी है। अब मैं इसके लिए एक पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं लूँगी 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, और लगभग आधा कप पानी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक थिन स्लरी बना लेंगे। इसको हम अब इस फ्राई मिक्सचर में डाल देते हैं। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर ही पकने देंगे थोड़ा टाइम के लिए। तो हम देखेंगे कि कॉर्नफ्लोर से जो तड़का होता है वो बहुत थिक हो जाता है, करी बहुत ही उसकी थिक बन जाती है। इसमें हम 1 चम्मच रोस्टेड तिल लिए हैं मैंने, इसमें 1 बड़ा चम्मच हनी डाल देते हैं। आपके पास अगर रोस्टेड तिल नहीं है तो आप तिल को पहले से रोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, आपको एक फ्राई पैन में तिल को रोस्ट कर लेना है, और इस मिक्सचर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको पकने देते हैं। तो ऑलमोस्ट मसाला रेडी है। 1 चम्मच इसमें विनेगर डाल देंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए जो हमारे आलू हैं उनको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, और उसके बाद गैस बंद कर देनी है। अब ये रेडी है। तो हमारे हनी चिली पटेटो बिल्कुल रेडी हैं परोसने के लिए। इसे हम स्प्रिंग अनियन और तिल के साथ गार्निश कर देते हैं। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।